ब्रह्मी की परीक्षा देने वाले सर्वप्रथम 2018 के नव वर्ष उनका जीवन में मंगलमय खुशियां लाए और उन्हें अच्छे श्रेणियों से सफलता प्राप्त हो। इसके लिए मात्र कुछ ही दिन बन चुका है, ब्रह्मी परीक्षा का एग्जाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेने जा रहा है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बार काफी पैटर्न में फेर बदल किया है। जो इस समय जो ऑब्जेक्टिव 40 प्रश्न पूछे जाते थे, वो आज इस वर्ष से 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जो बच्चों के लिए काफी तनाव और अवसाद ग्रस्त हो चुके हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि अब अवसाद ग्रस्त होने का जरूरत नहीं है, बल्कि उनको सही मार्गदर्शन, सही से गहन अध्ययन करना ही सफलता का गुण सिखा सकता है। और जरूरत है कि जो चीज पढ़े हैं, विशेषकर मैं आर्ट्स कला के छात्र छात्राओं को सूचित करता हूं कि जो चीज पढ़े हैं उस चीज को फिर दोबारा एक बार उसको लिख करके रिवाइज करें, उसको पुनः मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करके यह खोजने का प्रयास करें कि मैंने जो पढ़ा था वो क्या मुझे कंठस्थ स्मरण में मुझे याद है। और जैसे ही आप उस चीज को दोहराएंगे, दोबारा लिखेंगे, तो निश्चित आपके माइंड में, जो दिमाग में जो बैठा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या प्रश्न का उत्तर है, वह निश्चित उभर करके सामने आएगा और आप कक्ष में एकदम इत्मीनान से, एकदम धैर्य पूर्वक आप उस क्वेश्चन का, उस ऑब्जेक्टिव का आंसर एकदम सही देंगे। किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है, धैर्य की जरूरत है, क्योंकि धैर्य से ही आप एक सफल छात्र बन सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। इसको लेकर के आपको जरूरत है कि हमेशा रिवाइज कीजिए, जो पीछे पढ़े हैं उसको रिवाइज किए, नए चीज को मत नहीं पढ़िए, जो चीज पढ़ ली है उसको हमेशा रिवाइज कीजिए, उसको अप टू डेट कीजिए। और अप टू डेट जैसे कीजिएगा, निश्चित रूप से आपके स्मरण में, उस दिमाग में, उस क्वेश्चन, उस प्रश्न पत्र आपके दिमाग में सामने आने लगेंगे और परीक्षा रूम में जैसे ही जाइएगा उस प्रश्न को, उस क्वेश्चन को आप हल करते चले जाएंगे और निश्चित आपको सफलता, प्रथम श्रेणी से आप पास होंगे और आप पास होकर के अपने परिवार का, अपने जिला का, अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोग को ये वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग इसको पढ़ करके ऑब्जेक्टिव, कोई भी क्वेश्चन आए, जो भी क्वेश्चन है उसको 50 अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो एक एक करके बनाना शुरू कीजिए। जो ऑब्जेक्टिव नहीं दिमाग में आ रहा है उसको छोड़ देंगे और छोड़कर जो आ रहा है उसको बनाना शुरू करेंगे। जो भी क्वेश्चन जो आ रहा है, जो दिमाग में उसका आंसर आपको झलक रहा है, तो उसको बनाना शुरू करेंगे और जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको लास्ट टाइम में उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 50% या दो ऑप्शन हटा करके, दो ऑप्शन पे विशेष दिमाग का प्रेशर दे करके उसमें एक को सिलेक्ट करके और हम उसका आंसर देंगे, निश्चित वह सही निकलेगा। और यह नहीं सोचना है कि ऑब्जेक्टिव जो 50% क्वेश्चन आएंगे वह क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग है, आप अगर गलत आंसर दीजिएगा तो सही से कट जाएगा, यह नहीं सोचना है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में किया जाता है, जैसे यूपीएससी आईएएस पीसीएस के एग्जामों में लिया जाता है, वैसा नहीं है। इसमें आपको जो भी 50% ऑब्जेक्टिव होंगे उसको जो नहीं आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, उसको 50% यानी दो ऑप्शन को हटा करके दो ऑप्शन में ही सही विकल्प चुनेंगे, तो निश्चित रूप से आपका ऑब्जेक्टिव जो 50% यानी 50 ऑब्जेक्टिव होगा उसमें निश्चित आप लोग को 45 से 48 के बीच सही लिख पाएंगे। तो इसके लिए एकदम पढ़ने की जरूरत है, तनाव में न रहें, एकदम खुशनुमा माहौल में रहें, उसको हमेशा पढ़ते रहें। और आर्ट्स वाले विद्यार्थी को तो मैं विशेष कहूंगा कि हमेशा पढ़ते रहें, जहां भी रहें पढ़ते रहें, स्कूल में है, घर में है, बाहर हैं, टहल रहे हैं, हमेशा किताब लेकर के, गाइड लेकर के, गेस्ट पेपर लेकर पढ़ते रहें, क्योंकि हमेशा उस क्वेश्चन को दिमाग पर जब हमेशा आता चला जाएगा वो क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होते रहेंगे। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि कभी भी घबराएं नहीं और एकदम यह विश्वास रखें अंदर कि मुझे सफलता निश्चित मिलेगी, और सफलता ही नहीं बल्कि मुझे प्रथम श्रेणी ही नहीं बल्कि मुझे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में टॉपर बनने की भी मौका मिलने जा रहा है। इस व्यू से, इस लक्ष्य से आप लोग तैयारी करें। और कहा गया है
मैं समस्त बारहवीं कक्षा के छात्र छात्राओं को बताना चाहता हूं कि नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। ये मेरे बारहवीं कक्षा के छात्र छात्राओं, कहीं से एक चिंगारी का टुकड़ा लेकर आओ, क्योंकि दिए में तेल से भीगी बाती तो है। दिया भी है, तेल भी है, बाती भी है, मगर जरूरत है कि आप कठिन परिश्रम करके इसमें अच्छा से अच्छा नंबर लाएं, अच्छा से अच्छा रैंक लाएं, ताकि आपका नाम गांव, शहर, जिला और राज्य स्तर पर रोशन हो सके।